श्रीकाल दोस्तों, अज गल करदे आ पंजाब दे पानियां दी। नदी दे किनारे बैठे सी, शाम नूं अग जलाउण दा प्रोग्राम है ते नदी किनारे होण करके सानूं पंजाब दे वी वगदे दरिया दी याद आई ते सोचिया कि उहनां पंजाब दे पानियां ते गल कीती जावे। सब जगह रौला पै रहा, पानी घट रहा, पानी थल्ले चला गया, पानी बहुत मुश्किल हो जू आउण वाले समें च। ये गल सच्चाई है कि पानी लगातार थले जा रहा है ते पानी दी कंजम्पशन असी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सब तो बड़ा ब्लेम झोने नूं पाया जाता है कि झोने ते बहुत पानी लगता है, इन्ने किलो बेचण ते एक किलो ते तीन लीटर पानी लग जाता ना। देखो, ये गल्लां दी कोई रिसर्च नहीं है, पर एक गल तां बिल्कुल सही है, दुरुस्त है कि झोना जिहड़ा हैगा, चौलां दी जिहड़ी फसल है, पानी प्रधान है तो पानी दी बड़ी लोड़ पैंदी है। हालांकि सरकार ने थोड़ी बहुत कोशिश कीती सी, पर किसान यूनियन ने अड़िका पा के उस नूं भी सफल नहीं होने दिता, क्योंकि पानी सानूं बचाउणा पएगा। जदों गर्मी च पानी ज़्यादा एवेपोरेट हुंदा तो झोना जे हफ्ता क लेट हो जाए तो शायद कुछ मदद हो सकती है। पर की सिर्फ पानी दी बर्बादी लई, पंजाब दे पानियां लई सिर्फ किसान जिम्मेवार ने, झोना जिम्मेवार है? हुण गल करदे आं आपां बाकी शहरां दी। शहरां च किन्ना क पानी सेव करदे आं आपां? 400 फुट ते ट्यूबवैल लगे ने, पीण वाला पानी पंप कीता जांदा ते असीं उह पीण वाले पानी नूं किदां बर्बाद करदे आं? गड्डियां पाइप ला के धोतियां जांदियां ने, हर शहर च देख लो वड्डियां वड्डियां कोठियां, दो दो तीन गड्डियां ने पीण वाले पानी नाल आपां गड्डियां धो रहे हां। उस तों बाद गार्डन च भी पीण वाला पानी आपां इस्तेमाल कर रहे हां, फ्लशिंग वास्ते भी पीण वाला पानी यूज़ कर रहे हैं। साढ़े घर च दो दो चार चार वाशरूम होंगे ने, तो बड़ा पानी की उत्थे बर्बादी। टब भी लाए ने लोगों ने, समरसीबल भी ला रखे ने, जो कि मना ने पर लगे हुए ने, बहुत हजे भी लग रहे ने, कोई चेक नहीं है। इस तरह असी डूंगा पानी कढ के पीण वाला पानी असी अजिहियां चीज़ां ते वरत रहे हैं जिथे रीसाइकल्ड पानी वरतना चाहिंदा है। रीसाइकल्ड पानी वास्ते साढ़े कोले पंजाब च कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि असी कदे नहीं सोचा भी सानू पानी दी इस तरह कमी आवेगी। पुणे वर्गे शहरां च रीसाइकल हुंदा पानी, तो एक सैपरेट पाइपलाइन है जिस ते जो गार्डन वगैरह नू पानी देना, और अनट्रीटड ट्रीटड वाटर आउंदा सॉरी, तो उस दे नाल गार्डन वगैरह बाकी सब नू कहिंदा, पीण वाला पानी अलग आउंदा है। लुधियाणे विच 4 ट्रीटमेंट प्लांट लगे ने, मॉलों के ट्रीटमेंट लगे ने, फ्लेम्स मॉल दे मैनू काफ़ी जानकारी है, असी 30 BOD तक पानी ट्रीट करके करदे की सी, असी वापस सीवरेज पाते सी क्योंकि यही नॉर्म्स ने। उस पानी नू जो 63 किलो लीटर का प्लांट उत्थे लग्या सी, 63 किलो लीटर पानी जो ट्रीटड सी बिल्कुल PPCB दे नॉर्म दे मुताबिक गार्डना च यूज़ किया जा सकता सी, पर साड़ी किते वाह नहीं गई। असी कोशिश भी की तो ना किसी ने पानी लिया, तो ना कारपोरेशन ने इस बारे कोई स्कीम बनाई, तो ना ही PPCB इनू इनफोर्स करता है कि यह पानी यूज़ किया जाए। इस तरह जो बलो के वगैरह जो CTV लगे ने, दोबारा पानी ट्रीट करके भी सतलुज दरिया पा देंगे, तो इस करके पता नहीं लगता भी पानी वाकई ट्रीट होया या नहीं होया। असी पानी नू रीयूज़ क्यों नहीं करते? तो पीण वाले पानी की असी जे बचत करांगे शहरां च उस नाल भी फर्क पएगा। आओ हुण वेखदे हां सिंगापुर वल, जे असी कुछ सीखना चाहिए। सिंगापुर एक छोटा जिहा कंट्री है, उहनां कोल एक ड्रॉप पानी नहीं है, 100% पानी उत्थे इंपोर्ट हुंदा है। पर सिंगापुर च जे जाके देखो, टूटियां च 24 घंटे पानी पीण वाला हुंदा है, तो बाकी सारा पानी ट्रीटड है। और सिंगापुर ने यह किदां कीता? सिंगापुर च 1902 अकाल आया तो काफ़ी पानी की राशनिंग हो गई, 2 घंटे पानी मिलता, तो वो सरकार उदो लोग जाग गए भी पानी की दुरवरतों नहीं करनी। सिंगापुर को आपका पानी है नहीं, मलेशिया तो आता है। अज के टाइम च 40% पानी जो है उत्थे ट्रीटड हुंदा, 20% जो है बरसात का पानी इकट्ठा करके साफ करके वरत्या जाता है, तो 10% समुंदर का पानी है। यानी 60% पानी की उन्होंने डिमांड आपदे आप पूरी कर ली, सिर्फ इंपोर्ट 40% रह गई। ये उन्होंने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी करके होया, तो दूजा लोगों के सहयोग नाल होया। वक्रियां पाइपलाइना ने
पानी की बचत की जाती लोगों एजुकेट करके हूँ उत्थे पर परसन 155 लीटर पानी पंप किया जाता है जिद 24 घंटे ड्रिंकिंग वाटर मिलता है पीने वाला पानी तो साढ़े 400 लीटर एक परसन के हिसाब से पानी पंप करके भी दो तीन घंटे सवेरे दो घंटे शाम को पानी आता है तो क्यों इधर जाता है पानी साड़िया पाइपलाइन कदे रिप्लेस नहीं हुई वह लीक कर दिया ने पानी दूटिया टूटिया ने तो लीक कर दिया ने पानी की बर्बादी वास्ते असी सारे ही जिम्मेवार हाँ जो सीखना सिंगापुर ने किमें पानी नू बचत की वह बताओ स्प्रिंकलर सिस्टम भी हो सकता है खेती लई ते हुण जिस तरह बिना पानी तो जा सीधा झोना बीज दियो ओदे वास्ते भी सरकार ने इनसेंटिव दिते ने आओ इन्हां च अड़िके ना पाइए ते सहयोग करिए सरकारां नाल भी जे इस पासे नू आपां पानी बचा सकीए गल दा मकसद साडा ई सी भी पानी की बर्बादी लई चाहे पेंडू चाहे शहरी चाहे किसान खेती इंडस्ट्री सारे ही जिम्मेवार ने सरकारां भी इक्वली जिम्मेवार ने क्योंकि कदे भी उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि असी पानी नू ट्रीट करना है पानी नू बचाउणा है पानी नू बचाउण बारे कोई पॉलिसी नहीं है क्योंकि असी हमेशा यह समझिया भी पानी की पंजाब च कदे कमी आनी ही नहीं है असी इस बारे सोची नहीं नवीं सोच लियानी पाएगी सिंगापुर वर्गे छोटे जिहे कंट्री तो कुछ सीखना पाएगा तो सबनों पानी की बचत करनी पाएगी ता ही आने वाले समय में असी ताज़ा मिठा पानी वरत सकेंगे नहीं तो फिर बोतलों के पानी नाल जिदा बाहर चलता है कम तो उदा ही चलूगा साड़ी वीडियो देखने लई विचार सुनने लई बहुत बहुत धन्यवाद देखते रहो और तुहानू दिखाते रहेंगे अजिहियां ही वीडियो।